المؤمنين علي ابن ابي طالب मैं पहले वहां सदा का बाकायदा तौर से आगाज हो चुका है और हमारे कुतुबुल इस्लाम और मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्जा जफर अब्बास साहब ने बहुत ही पुरइल्म तकरीर मोमिनीन के हाफिजे तक और समाज तक पहुंचाई और उनके दिली कुलूब उनके मुनव्वर हुए। लेकिन एक जुमला आखिर कलाम में मौलाना मसूद ने कहा था कि हमारे यहाँ जब जिक्र अली होता है तो सबसे पहला जो स्टैम्प लगाया जाता है वो गाली का होता है कि आप जिक्र अली कर रहे हैं तो आप गुलू कर रहे हैं। तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मसाला कुछ नहीं है, बस मसाला इतना सा है कि अभी इनका अकीदा तौहीद ही सही नहीं हो सका है। ये अली के फजाइल को जो अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, अभी तक इनके पास वो अकीदा तौहीद पहुंचा ही नहीं है कि जो महरम असरार तौहीद ने रिश्ते हमारे तक तौहीद लाता है। जुमला है, ये जामिया है और जामियातुल तबलीग है और मैं ये समझता हूँ कि नाम से भी तबलीग का जो मसला है वो विलायत हल्लाल मुश्किल अपनी बात को समेट के वो फॉर्मूला आपके हवाले कर रहा है जिससे घबराने की जरूरत नहीं है कि जब जिक्र अली किया जाता है तो वो कौन लोग हैं कि जो गुलू का स्टैंप लगा देते हैं और ठप्पा लगा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं। पर मसाला ये है कि जिनका अकीदा तौहीद मोल से ज्यादा कमजोर है वो अली के फजाइल की इब्तदाई गर्मी से बिगड़ जाता है। नस्र का मसला नहीं है, निजामत की बात है। तो आइए अब नस्र के खेमे को बहुत पीछे मैंने छोड़ दिया है और बागडोर को तंग करते हुए अब इसने दुखूल नू नस्र के खेमे में और मिर्जा नबीर अल्लाह मकामहु और खुदाए सुभान मीरानीस अल्लाह मकामहु की रूह से इजाजत लेते हुए मैं अपने निजामत के सफर का आगाज करूं। सबसे पहले मिर्जा साहब की एक रुबाई आपके हवाले करूं। देखिए साहब, लिए तो लखनऊ में मैं निजामत कर रहा हूं, हिंदुस्तान या पैरों हिंदुस्तान अगर सबसे ज्यादा कोई पढ़ा जाता है तो लखनऊ पढ़ा जाता है। मैं कुछ कह रहा हूँ और सबसे ज्यादा अगर कोई सुना जाता है तो लखनऊ को सुना जाता है। आइए मैं मिर्जा साहब की रुबाई से, चूंकि मदरसा है इसकी इस रियायत को भी मैं हूं खातिर रखना है और दाइश के हमारे उलमा है, शोरा है, मुफक्किरीन है, मैं रुबाई पेश करता हूँ। फरमाते हैं मिर्जा साहब के महरूम किसी को न सखी ने रखा। देखिए ये भाई का अपना लहजा है, मुसल्लस का अपना लहजा है, मुसल्लस का अपना लहजा है, मसनवी का अपना लहजा है, तलाक का अपना लहजा है, शराब का अपना लहजा है, सारी चीजों से आप वाकिफ हैं। बहुत दिनों के बाद लखनऊ मेरे सामने है और मैं लखनऊ से खिताब कर रहा हूँ। आइए हजरात, मैं समझता हूँ रजब शाबान की यह पहली और आखिरी महफिल है, इसलिए कि अब मौका नहीं है कि मैं लखनऊ में खिताब करूं और मैं समझता हूँ मेरी बदकिस्मती है, लेकिन अब चूंकि मसरूफियत है। लेकिन अब सुनिए आज मिर्जा साहब की एक रुबाई, बल्कि दो रुबाई मैं आपको सुनाता हूँ, बिल्कुल ऐसी जो हमारी न्यू जनरेशन है कम से कम वो अदब की सुर्खों को संभाले और सुने। हमारी कोशिश है कि हम उनके अशआर नहीं पढ़ रहे हैं जो अपने पैरों से चल रहे हैं इस जमीन के सीने पर, बल्कि निजामत में उनके अशआर पहुंचा रहे हैं कि जो मरने के बाद भी जिंदा है और वो हमारे बुजुर्गान हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं रुबाई पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मदरसे के तलबा है बाहर से आए हुए महरूम किसी को न सही ले रखा, महरूम किसी को न सखी ने रखा, ने माल न सर हक के वली ने रखा, किसी को न सखी ने रखा।
नेमान नजर हक के बली में रखा, क्या सोहद है क्या फैज के रहमत से कभी रोजे के सेवा कुछ न आई है। आप सब तो मुतालिया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नए नातराश हैं, जो एक सबक याद है वो आपको सुना रहे हैं, लेकिन दुआओं में याद रखिएगा। एक रुबाई हम आपके जिंदा प्यास करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि नेमान नजर हक के बली ने रखा, क्या सोहद है क्या है कि रहमत से कभी रोजे के सिवा कुछ न आली ने रखा। और आज हुलू की हो रही थी, साथ मिर्जा साहब ने उस जमाने में सुनते थे तो इस मजमून को उन्होंने रकम किया था, और पता नहीं कि यह मजमून वहां असल में पहुंचा रहा हूं, वरना शाही को 2024 तक आ गई है। लेकिन आप जब सुन ले और असल सुन ले, मिर्जा साहब ने कहा, फरमाते हैं कि है दर को जो हाल कबली कहता है। मजमून को समेत दिया और सलासत देके फरमाते है दर को जो हाल कबली कहता है, शाबाश कबीर अजली कहता है। इस जमाने में उन्होंने यह बात कही, और आज कहा जाता है कि आप ये ना कहा कीजिए कि अली हुसैनियों का खुदा है, अली हुसैनियों का खुदा है, शुरू होती है, लेकिन बैरूनी शोराए किराम वक्त से नहीं आते हैं, और जब ताखीर से आते हैं तो सब ये चाहते हैं कि पहले हमें पढ़ा दिया जाए। तो गुजारिश यही है कि जब वक्त पे महफिल शुरू हो रही है तो बुला लिया जाए और शोराए किराम वक्त पे आ जाए। आइए हजरात, बड़ा साजगार माहौल है समाखराशी के, हम भी आए नहीं है और आप भी नहीं है, इस तस्वीर के रंग को और गहरा किया जाए। हम गुजारिश गुजार हैं अब्बास रजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में।